के दिन वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं कुछ बातें दो चार बातें ऐसी करना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी जरूरी है। उनका नाम लूंगा, एक राजू साहब, एक अत्री साहब, एक पंडित परमानंद, ये तीन। एक ट्रांसफर के मतलब मुझे जाना पड़ा शाह साहब के पास, बड़े शाह साहब के पास। जब मैं चला गया तो जी सर क्या कहेंगे, आज जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है कितनी है और किस तरह का मैसेज रहेगा वहाँ? आज पी एन राजू साहब जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर थे और जम्मू सूबा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे, आज 22वीं उनकी पुण्यतिथि हम यहाँ पे मना रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पी एन राजू साहब बहुत ही नेक शरीफ आदमी थे और डेडिकेटेड थे पार्टी के लिए। उन्होंने गरीब गुरबे का बहुत काम किया और ख़ासकर क्योंकि वो रामबन के रहने वाले थे, इसलिए दूर दराज जो लाकाजात थे जम्मू सूबा के, ख़ासकर चनाब वैली या हमारा पीर पंचाल का एरिया या अरनास वगैरह का एरिया, उन्होंने बहुत काम किया उस इलाके में। और उसके अलावा पूरे जम्मू सूबा के अंदर भी बनी तक हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो निस्म आयल था वो वहाँ ले जाने में वो कामयाब हुए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि आज हमें उन्होंने जो रास्ता बताया हुआ है उसी रास्ते पर हम चलें और पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और ख़ासकर हम गरीब गुरबे जो हमारे दलित समाज जो है, पिछड़ी हुई जातियां जो हैं, पहाड़ी इलाका जात जो हैं हमारे, उनमें ज़्यादा काम करें तो मैं समझता हूं कि पार्टी हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे और उनकी जो डेडिकेशन है बिल्कुल उसकी तरह हमें काम करना चाहिए। आज यही हमारी श्रद्धांजलि होगी उनको और पार्टी को मजबूत करना ही हमारा आज आयद होगा। शुक्रिया।